फिर ये जो है हिंदी में तो बोलूँ मराठी में, कोई हिंदी मराठी देख, माइक्रो मीन्स बेकिंग प्लस कुकिंग, इसमें क्या है माइक्रो भी है ग्रिल भी है, ओके, टाइम वेट दिया है, क्लॉक प्रीसेट दिया है, ठीक है, स्टॉप एंड कैंसिल दिया है, ये स्टार्ट का बटन है, ओके, माइक्रो इसको पहली बार जब दबाएंगे, ठीक है, ये माइक्रो आया 100% आया, ठीक है, इसको सिलेक्ट करना है, कोई चीज़ बनाना है, गर्म करना है, गर्म के लिए, हाँ, माइक्रो मोड में बेकिंग प्लस कुकिंग होगा, ठीक है, इसमें टपरवेयर, बोरोसिल, सादा मिरर, प्लास्टिक और लकड़ी मिट्टी के बर्तन चलेंगे माइक्रो मोड में, ओके, इसको सिलेक्ट कैसा करेंगे, यहाँ से एक बार सिलेक्ट करने का, ये सिलेक्ट हो गया इंडिकेटर होना, यहाँ से मैं 10 सेकंड देता हूँ, हाँ 15 से 25 सेकंड या टाइमर से स्टार्ट किया, ठीक है, ये माइक्रो मोड, ठीक है, माइक्रो मोड में टपरवेयर, बोरोसिल, सादा मिरर, प्लास्टिक, लकड़ी मिट्टी का बर्तन यूज होगा, इसमें बेकिंग प्लस कुकिंग सब होगा, फिर इसको दोबारा प्रेस करेंगे तो ग्रिल यूज होगा, ओके, ये माइक्रो, ये पावर कम हो रहा है, जैसा फॉर एग्जांपल मुझे ये कन्वेक्शन मॉडल नहीं है, ठीक है, तो माइक्रो मोड में भी मैं केक बना सकता, नान खटाई, बिस्किट, बट्टी, पिज़्ज़ा बेस, कुकीज़ बना सकता, ठीक है, अगर भी मुझे इसमें केक बनाना है तो माइक्रो सेलेक्ट करना है, 100% आया इसका डिग्री कम करने का, 80, 50 ठीक है, 30 पे लाने का इसको, ठीक है, ये 30 पे लाया मैंने, 30 डिग्री पे लेने का, लकड़ी मिट्टी या बोरोसिल के पॉट में केक रखने का, 30% करने का, सिलेक्ट करने का, और इसको यहाँ से 5 मिनट देने का, ठीक है, 5 मिनट में केक तेरा बन जाएगा, ठीक है, लेकिन मुझे अब चिकन फिश रोस्ट करने का, पनीर टिक्का कबाब बनाने का या पिज़्ज़ा, हाँ पिज़्ज़ा बनाने का, तो ग्रिल पर जाने का, इसको एक बार प्रेस किया तो माइक्रो आया, दोबारा प्रेस किया तो फिर डिग्री कम हो रहा है, ठीक है, फिर इसको तीसरी बार में ग्रिल आया, ठीक है, ग्रिल किया, सिलेक्ट किया, यहाँ से इसको टाइम दिया 15 मिनट दिया चिकन फिश रोस्ट करने के लिए, पिज़्ज़ा के लिए 5 मिनट और स्टार्ट किया, ठीक है, ग्रिल में स्टील मेटल जर्मन पीतल लोखंड सोना चांदी कोई भी पॉट चलेगा, ग्रिल में स्टील मेटल जर्मन पीतल लोखंड सोना चांदी कोई भी पॉट चलेगा, ग्रिल में जो है ना हीटर ऑन होता ऊपर से, हीटर ऑन हो, ओके, लाल हो गया, जलने का बास आएगा, धुआं निकलेगा, ये रोस्टिंग के लिए रहता है, ठीक है, और हाथ के लिए और टच नहीं करने का, ठीक है, शॉक लग सकता है, ये अपना ग्रिल और कन्वेक्शन मॉडल है, ये वेट एंड टाइम दिया है, ये क्लॉक टाइमर दिया है, दोनों का बहुत कम यूज होता है, स्टॉप स्टार्ट, ओके,